ये ट्रैकिंग का घिनौना सच होता है भाई। भाई वो बोलती है इसमें डालो। तीसरा दिन नोवा स्कॉशिया में। आपको नहीं लगता कि मैं इसी शहर का वासी हूँ, सिडनी का? आपको नहीं लगता लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं इसी शहर का वासी हूँ। यहाँ पे मेरा घर बार है, घर बार नहीं है, मैं ट्रक में ही रहता हूँ। सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। APT वालों ने सुबह 7:30 बजे विनिंग पैक के मैसेज कर दिया कि भाई यहाँ से निकल, रास्ते में कहीं लोड देते हैं तेरे को, ढूंढ रहे हैं। ओ वाह, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं रोंडी के ऊपर, टीम मॉडल। आज का ब्रेकफास्ट और आज की सुबह यहाँ से शुरू करेंगे। गलत आगे भाई, यहाँ पे है नहीं कुछ भी, इनके पास में सिर्फ बेगल है और चाय मिलेगी बस। राजमिला एंड स्मॉल स्टीप टी डबल टेबल। चाय मिली है, बेगल मिला है बस। ऐसे भी टिम होते हैं भाई जिनके ऊपर पूरे फंक्शन नहीं होते। वो हेलमेट देखो कितना बड़ा टांगा हुआ है ऊपर, वो देखो रकबी का। चलो ठीक है, जिंदगी रही, फिर मिल गए। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। थैंक यू। ये लड़की को मैंने चाय पता क्यों दी है? ये कल भी आए थे, आपने ब्लॉग में देखा था, हस्बैंड के साथ में आई थी। सुबह सुबह दोनों आए थे, मेरे ट्रक का डोर नॉक करके मेरे को ब्रेकफास्ट दे के गए। बड़ी बड़ी बात होती है किसी अजनबी बंदे को ब्रेकफास्ट दे के जाना, और मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने अभी चाय दी है। मेरी तरफ से एक चाय तो बनती है। बुलावा आ गया है भाई, चलो बुलावा। बड़ी मुश्किल से बुलावा आया है भाई। यहाँ पे एक भाई आया सुबह सुबह, मैं अपना मुंह धो रहा हूँ यहाँ पे, वो टैक्सी लेके आया। बोलता है वो कर्ण भाई आप तो यार लास्का में थे, आप यहाँ कैसे? पी लो चाय, चाय अपने कर्मों में नहीं है, अकेला बेघर रह गया। पहले ही उनके पास में आधा सामान था, अभी अपने पास और भी आधा रह गया। किस्मत भैया जी किस्मत, जो चीज़ किस्मत में है नहीं वो मिल कैसे जाएगी? नहीं मिलेगी ना। ट्रक वैसे मैंने सुबह भी स्टार्ट किया था, ट्रक अपना रेडी है जाने के लिए। अभी चाहे मेरे को कुराला दबा दो गुवाहाटी का, कोलकाता का, कोई चक्कर नहीं। अभी यही ब्रेकफास्ट चलेगा भाई, छोटी छोटी दो परौठियां। आहा वाओ मैन, थैंक यू। ओए ओए मिस्सी परौठियां, क्या बात है, अचार भी है भाई, अचार भी है, वाह वाह वाह, ये तो $1,00,000 की मील हो गई भाई मेरे लिए। घर वाली परौठी है, मिस्सी, और मेरे को घर की याद आ गई यार। चलिए लेट्स गो, लेके ऊपर वाले का नाम, निकले वालमार्ट से बाहर, नहीं तो वालमार्ट वालों ने ना एक दो दिन के बाद में आके मेरे को गले से पकड़ना है। हमने काफी पैसा लगाया है पार्किंग के ऊपर, तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐसा घुमा के ना बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसा घुमा के, ताकि जो मेरा पीछे वाला टायर जो है किसी स्टॉप साइन को हिट ना करे। आज मैंने फिर चेक किया, आज कोई कूलेंट लीक नहीं था। कभी भी नोवा स्कॉशिया में आते हो ना, कैटलिक ड्राइव वाला वालमार्ट है यहाँ पे, अगर आपको रुकना पड़ जाता है तो यहाँ पे ना बेड एंड बाथ है, उसके पीछे पार्किंग है। कोई भी बंदा अगर कभी फंस जाता है तो सारी रात मैंने 36 काट दी यहाँ पे एक हिसाब से, तो कोई टेंशन वाली गेम है ही नहीं, कोई नहीं पूछता आपको। बस एक ही चीज का दुख है, ड्रोन नहीं है हमारे पास। पंजाबी बहुत है यहाँ पे, टैक्सी जितने बंदे चला रहे हैं सब पंजाबी हैं, लेकिन नोवा स्कॉशिया में जो बंदा टैक्सी चला रहा है उसका 4,45,000 से ऊपर नहीं बनता। बाय बाय डॉलरामा, बाय बाय, बाय बाय वालमार्ट। ट्रैक्टर वाले मैं तेरे को, नहीं बन गई बात। ये कौन सा डबल ट्रेलर है यार? शुक्र है भाई, दो दिन के बाद में ट्रक चलाने को मिल रहा है, कितना मजा आ रहा है देखो। ये राउंड बोर्ड से हमको लेना है 125 से आए थे ना कल परसों। कभी भी नए शहर में जाते हो ना ऐसे बड़े ब्रिजों का ख्याल रखना है, ये लो ब्रिज नहीं है। लेकिन ब्रिज से पहले आपको डेफिनेटली लिखा होगा कि ये लो ब्रिज है या ये 3 point something है, तो अपना कृपया अपना नोट करके। और ये वाला जो पानी है, इस पानी में मेरी ड्रोन गई हुई है। हमका कौन सा टिम का घाट है भाई जी? टिम बहुत है हमारे पास, बहुत ज्यादा टिम है। ये देखो ये भाई ने ट्रक लगाया है, इसके पीछे मैंने लगा देना यहाँ पे। अगर पुलिस वाला इसको बोलेगा, पुलिस वाला मेरे को भी बोलेगा। देखी तो उन्होंने नो पार्किंग हुई है, लेकिन बाग के चाय ले आएंगे, देखी जाएगी जो होगी, सी तुक्का लगता है या नहीं लगता। वो देख रहा है मेरी तरफ कि मेरे पीछे एक और बंदा आ गया। ये वाला टीम देखो भाई कितना बिजी है, इस पे रौनक है, इसके ऊपर सारा सामान मिलेगा आपको। टीम वालों की फुल लॉटरी है देखो भाई, इनसे मेरा पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। बोलते हैं चाय फ्री दिया करेंगे, तुम हमारी प्रमोशन करते रहा करो। ये कंपनी का पक्का काम है, ये फेरी में जाते हैं अंदर ग्रोसरी लेके,
ये मेरे को बहुत ट्रक मिले हैं फेरी में भी, और ये कंपनी का भी राज चलता है यहाँ पे नवा स्कॉशिया में। अभी चाय नहीं गिरने देनी भाई। यूकॉन में भी गए थे ना, पुलिस इतना तंग नहीं करती, यहाँ पे भी पुलिस इतना तंग नहीं करती भाई। बस अब मेरे को एक ही काम है सिडनी में। ओ वाह मैन, वापस फिर उसी कुदरत की कलाकृति में पहुंच चुके हैं भाई, कुदरत के अनमोल यहाँ पे नजारे हैं ना भाई। इसका भी एक अपना इश्क है कि अगर मेरे पास ड्रोन होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पंगा लेने वाला था ड्रोन के साथ में। मेरे को लगता है ये ब्रिज इसलिए ऊंचा किया हुआ, नीचे से ना शिप गुजरते होंगे। देखो लेफ्ट साइड में पानी कितना नीचे, और रोड पूरा पूरा, कोई शोल्डर नहीं, कोई वॉकिंग करने के लिए बंदों के लिए नहीं कि कोई बंदा वॉक करके आ सके, नहीं। चढ़ाई या अग लाई या 85 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्लो का बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि ये बड़ा खतरनाक वाला यू टर्न आ गया। ये देखो उस दिन तो हमने बाहर कैमरा लगाया नहीं था ना, हमको मालूम नहीं था, लेकिन आज तो हमको मालूम है। और 360 देख रहा है बाहर से, 360 की आंखों से सारा कुछ दिख रहा है देखो। और बोलते हैं कि स्लो रखो, चलो मैं तो एम्प्टी हूँ, लेकिन अपनी चाय का भी ख्याल रखना है मेरे को। ये पूरा मतलब कि ये वो यू टर्न है जो मैंने यहाँ पे बड़े कम देखे। अलास्का वाले हाईवे के ऊपर थे, लेकिन ऐसा ये बड़ा है, थोड़ा सा काफी बड़ा है। ये देखो इतना बड़ा यू टर्न है, ऊपर से चढ़ाई पड़ रही है। इन्होंने चढ़ाई का लेवल कम करने के लिए ये पूरा यू टर्न बनाया हुआ है। मेरे पीछे जो सामान है ना वो पलटी खा गया, इसलिए मेरा ध्यान पीछे हो गया। ये रोड देखो, ये लेफ्ट साइड से हम आए ना, और ये अभी उसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर जा रहे हैं। अगर आप लोग कभी मनाली से ऊपर गए हो रोहतांग को, अभी तो टनल बन गई ना, लेकिन रोहतांग को जाने के टाइम में ना आप नीचे खड़े हो जाओ, आपको ऊपर तक 1.5 किलोमीटर तक आपको पूरी दुनिया दिखेगी ऐसे 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 ऐसे। वो क्या इश्क है भाई, वो क्या इश्क है। को जाने दे, हम तो जाएंगे क्योंकि हम है खाली खाली खाली। ये मैंने कंपनी देखी है जो नोवा स्कॉशिया से लोड होकर निकलती है, और ये इनके ट्रक ना अंदर से भी लोड होके आते हैं न्यूफाउंडलैंड से। मैंने देखा इनके ट्रक हर 5-10 मिनट में आपको दिखाई देंगे। और ये एक बड़ी बढ़िया चीज है, यहाँ से कोई फेरी चलती है इंग्लिश टाउन को। बोलता कि जब ये फ्लैशिंग कर रहा है ना बोर्ड, तो दैट मींस कि इंग्लिश टाउन वाली जो फेरी है वो काम नहीं कर रही। यहाँ से राइट मार के ना अगर राइट साइड में मेरे पूरा पानी है, बड़ी बड़ी लेक है। चलो बढ़िया हो गया, ट्रक रुक गया, मैं अपना कैमरा उतारूंगा यहाँ से। हर एक कैमरे का अपना अपना काम होता है, ड्रोन का काम अपना होता है, 360 अपने लेवल से काम करता है, हम अपने लेवल पे काम करते हैं। पीछे बाइक का बॉक्स सारा खिलर गया, बिखर गया। साइकिलों वाले धन्ने बंदे हैं, ये पूरा कनाडा इससे लेके वेस्ट तक कभी कभी साइकिल के ऊपर ही निकाल देते हैं। इनको 4-4 महीने लग जाते हैं ऐसा घूमते रहते हैं, बैग लदे हुए इन्होंने साइकिलों के ऊपर, और बस धीरे धीरे सफर करते रहते हैं। ये बड़े महान होते हैं यार ये बंदे। लग गई लैन भाई, पीछे आगे वो आया सारी ट्रैफिक लेके। अभी तो मैंने कैमरा सेट ही किया था, ये आया भाई नीचे से ट्रक, नवा स्कॉशिया की प्लेट रग रही है। अभी यही बंदा हमको नीचे लेके जाएगा, उस बंदे की जो सारा दिन पूरी मीले पूरी हो जाती होगी उस बंदे की। ये देखो डांस प्रोग्राम चल रहा है भाई, डांस प्रोग्राम, यस यस यस, डांस डांस डांस। स्केल आ गई भाई, ऑल स्कोप वाली स्केल है ये। वैसे तो मैं एम्प्टी हूँ, मेरे को ऊपर से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं निकल जाता हूँ, क्या पता होता है। ये अपनी मर्जी होती है, चाहे ऊपर से जाओ चाहे लेफ्ट वाली साइड से। मेरे को ट्रक ओवरटेक करके गया ना, वो भी एम्प्टी था। चलो इतना ही काम था भाई जी, इतना ही काम था। Let's go, let's go, let's go। क्या व्यू है भाई, और ये लकड़ी वाला ट्रक देखो, हाय आंखों को ना मजा आ जाता है ऐसा व्यू देख के, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ।
हर एक चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए अपने पास, हर एक व्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। इरविंग के पापों की हम सख्त कर रहे थे ना, ये उसका टैंकर जा रहा है बी ट्रेन, इसमें फ्यूल होता है और इसमें फ्यूल लोड करके लेके जाते हैं। चलो टैंकरों पे तो इतना प्यार नहीं दिखाया हुआ इन्होंने जितना पंपों के ऊपर है, लेकिन अगर टैंकरों में हिसाब लगाएं जितने भी पंप हैं, सबसे औसम जो टैंकर है वो डीजल वाले, वो है लव्स के। ये न्यू ब्रुंसविक के बॉर्डर के पास में आ गए हम नवा स्कॉशिया के, लेकिन अपनी अपने को जाना है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स एक कॉर्नर है, यहाँ से कोई भी गाड़ी कार आपको बाय शिप लेके जानी है तो मोस्टली मेरे ख्याल में हैलीफैक्स वाली साइड से ही शिप होती है गाड़ियाँ। क्या मौसम है भाई, क्या मौसम है। और ये वाले फूल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये पिंक से है ना, ये देखो। वाह, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ क्योंकि लोड तो अपने पास आ गया, लेकिन लोड बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, अभी उसके लिए वेट कर रहा हूँ पूरी प्लान के लिए भी क्या करना है कैसे करना है। हैलीफैक्स वाला एरिया बहुत बिजी है, बड़ी मुश्किल से ना, ये ग्रेवर रोड है तो ग्रेवर रोड के ऊपर मैंने पार्किंग की है पूरी रोड से उतार के। ये ट्रक देखो आया, ये दो ट्रैक का रोड है और मैंने पूरा नीचे उतारा हुआ है। देख लो ट्रकिंग का कितना स्लो हो जाता है कभी कभी, इसमें ट्रांसपोर्ट की या डिस्पैच की कोई गलती नहीं होती। कोई भी बंदा या कोई भी ऑनर नहीं चाहता कि मैं बैठे बैठाए ड्राइवर को पैसे दूं, क्योंकि जितने भी दिन वेट करनी होती है लोड नहीं होता है तो ड्राइवर को उसके ले ऑफ मिलती है। तो आज मंडे मार्केट खुलती है, लेकिन मंडे के दिन मार्केट में कुछ नहीं मिला, इतना फ्लैट डेक का काम जो है नोवा स्कॉशिया वाली साइड हैलीफैक्स वाली साइड स्लो है। तो आज कोई और रास्ता निकाल रहे हैं कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन लोड बड़ा एक अलग ही तरीके का है, उसके लिए भी फंडा हो गया, उसके लिए कुछ जगह चाहिए वो ढूंढ रहे हैं कंपनी वाले, जैसे ही मेरे को मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि जिस साइड में लोड उठाना है वो हैलीफैक्स से तकरीबन 140-150 किलोमीटर एक साइड में, वो वाली जगह जो हमको चाहिए वो अगर हैलीफैक्स में मिली तो मैं पहले हैलीफैक्स जाऊँगा फिर वापस वहाँ पे जाऊँगा। ये बड़ा अलग ही तरीके का लोड है क्योंकि ट्रकिंग इतनी स्लो हो गई, आप इससे हिसाब लगाओ अभी जो जिसके पास में 10 से ऊपर ट्रक हैं वो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जिस बंदे के पास में 1-2-3 ट्रक हैं और उसने ओपन बोर्ड उठाना है तो भाई मार्केट देखो कितनी स्लो चल रही है। मेरे खुद के सर्कल में 1-2 बंदे ऐसे जिन्होंने 1-2 साल पहले ट्रक नए लिए थे, उनकी किस्त थी 4900 पर मंथ, उन्होंने ट्रक अभी सेल कर दिए क्योंकि ट्रक की एक महीना किस्त भी अपनी जेब से गई ना, तो $4,900 उनकी $5,000 इंडिया का 3 लाख रुपया जेब से जाएगा। ड्राइवर भाग जाएगा वो अलग से, क्योंकि अगर ड्राइवर की माइल्स नहीं निकलेगी तो ड्राइवर कहाँ टिकेगा, ड्राइवर बोलेगा भाई मैं जाता हूँ कहीं और। बड़े फंडे यहाँ पे ट्रक डाल सकते थे 2-3 साल पहले, जिन बंदों ने डाले फायदा हुआ है, लेकिन आज के दिनों में कोई नया ट्रक डालने की सोचो भी मत। अगर आपको डेफिनेटली या कोई कंपनी ये नहीं बोल रही कि मैं आपको इतनी माइल्स दूंगी चाहे आपकी माइल्स निकले ना निकले, कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं, हर एक कंपनी ऐसा नहीं करती। फिफ्थ व्हील मूव करने का एक तरीका होता है, आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं, ये वाला। आई नीड टू मूव द फिफ्थ व्हील। ट्रेलर ब्रेक लगी रहने देनी है, ये देखो हो गया ऑन अभी। दैट्स द लास्ट टाइम, अभी पीछे जाएंगे इसको लॉक करेंगे। गुड, आगे पीछे मूव करना ना, स्लाइड करना बोलते हैं जो हमने अभी किया है, ये कभी कभी सदियों के बाद में एक बार जरूरत पड़ती है इसकी। ये वाला गैप ज्यादा किया है, ये बिल्कुल इसके पास में ही आ गया था। सेफ्टी देखो इसकी March 24 और 15 मैंने सारा पीछे कर दिया, ये वाला यहाँ पे था, यहाँ पे पेनी जो थी ना सारी पीछे आ गई। फोटो खींच के कंपनी को डाल देते हैं कि इसके बॉक्सों में क्या है, वो टार्प तो ऊपर ही रहेगी। ये ट्रकिंग का घिनौना सच होता है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑनर को कभी कभी ऑनर्स को ये वाले डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी ये वाले ट्रेलर का कोई लोड नहीं है पूरे हैलीफैक्स एरिया में, आज गर्मी बहुत है यहाँ पे, पसीनों पसीनी हो रहा हूँ। इंडिया वाली पंजाब 35-37 डिग्री टेम्परेचर है और मैं मिनी बैग वाला हूँ भाई, मेरे को आदत नहीं है इतनी गर्मी में रहने की। अभी आज भी लोड नहीं है, कल भी लोड नहीं है, तो दिस इज द सच्चाई। ये ट्रेलर अभी यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं
और ये वाला ट्रेलर जो है ये हमको मिला है नोवा स्कॉशिया प्रोविंस से उठा रहा हूँ, लेकिन हैलीफैक्स से 200 किलोमीटर साइड में जो भी ऑप्शन होती है उठानी पड़ती है। अगर यहाँ पे 2-3 दिन बैठे रहते और तो भाई फिर कोई फायदा नहीं था बैठने का, इससे अच्छा कि लोड मिल गया। अभी 1-2 दिन में हमारे दूसरे ड्राइवर आएंगे, ये वाला ट्रेलर उठा के वो ले जाएंगे। गर्मी बहुत है यार। और ये होता है मूविंग वाला ट्रेलर, इसको मैंने हुक कर लिया, फिफ्थ व्हील मैंने मूव कर दिया। फिफ्थ व्हील स्लाइड करने का तरीका मैं आपको फिर समझा देता हूँ एक बार ध्यान से। ट्रेलर की ब्रेकें खींची होनी चाहिए, रिलीज नहीं करनी। लैंडिंग गियर नीचे होने चाहिए, लगे जमीन के ऊपर। उसके बाद में वो वाला स्विच ऑन करना है, फिर इसको आगे पीछे मूव करना है। और ध्यान से चेक कर लेना कि ये लॉक हो गया कि नहीं लॉक हो गया। ये बड़ा फंडा होता है इसका जब मूव होता है। ये इसकी पिन्ने, ये देखो ये 3 पिन्ने आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली इसकी 3 पिन्ने देखो अभी लॉक में फंसी हुई ना। जब आप अंदर से स्विच दबाओगे तो ये अनलॉक हो जाती है। तो ये मूविंग स्टेप होता है। अपना ट्रेलर इसने यहाँ पे इसलिए लगा दिया क्योंकि ये फ्लैट बेड है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और पीछे काले वाला दोस्त नहीं रहता यहाँ पे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ताला देखो लगा हुआ भाई, लगता है ना खरीदा हुआ कहीं से। वाह वाह, इसकी चाबी दी हुई उन्होंने। कहीं कोई शावर का अरेंजमेंट करवा दो यार, कोई बंदा करवा सकता है तो। ड्राइवर जो ना मजी मर रहा हो ना गर्मी में, जब उसको लोड मिल जाता है रोड के ऊपर वापस खड़ा हो जाता है कि हाँ अभी वापस ही जाना है बस, फिर ये लक्षण होते हैं ड्राइवर के, चाहे गर्मी से पसीनों पसीनी हो रहा है ऐसे ही हरकतें करी जाएगा, देख देगा कभी बाहें ऐसे करेगा। मेरे जैसा ड्राइवर बोल रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसे बस ऐसे कभी जैसे टांग मार दी, कोई ऐसे पत्थर आ गया, पत्थर को रोड़ा मारा, ऐसे कर दिया। ओहो ये लक्षण होते हैं ड्राइवर के। ये जो नज़ारा है ना भाई, ये बड़ा रोटी का, ये वही बंदा समझ सकता है जो इसकी अहमियत को जानता है। ओए होए होए, ये बढ़िया हमारे ट्रक होते थे ना कहीं साइड पे बैठ के दादाजी ने रोटी खानी, ऐसे बड़ी रोटियां होती थी, चार होता था कभी कभी साथ में परौंठियों के, वो एक अलग ही आनंद था भाई। लेकिन अपने पास अभी चाय नहीं है, रेड बुल चलेगी। ट्रेलर ड्रॉप करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, कभी मैं 1-2 ट्रक स्टॉपों के ऊपर गया, डिस्पैच वालों ने बड़ा जोर लगाया, APT की जो डिस्पैच है, बड़ी स्ट्रगल की उन लोगों ने, काफ़ी मैसेज मेरे ख्याल में 1000 मैसेज टैप हुए उनके और मेरे बीच में। फिर बाद में अगर एक जगह मिली ट्रेलर ड्रॉप करने के लिए, वहाँ पे ट्रेलर की पिन को लॉक लगाने के लिए लॉक नहीं मिल रहा था, ट्रक में लॉक है नहीं। फिर हार के ये वाला जो शिपर है ये मान गया, बोलता है कि कोई चक्कर नहीं आप मेरे यहाँ उतार दो, 2-3 दिन में हमने उठा ही लेना, तो वो बोलता है कोई चक्कर नहीं। फिर जाके सास में सास आई है, 5 बजे ये बंदा बंद हो जाता है, 5:30 तक रुका रहा मेरे लिए। अभी आप डाल के देखो आपको मालूम पड़ेगा मैं कहाँ बैठा हूँ, मिडल टन नोवा स्कॉशिया। अभी यहाँ से वापस विनीपैग का सफ़र पता कितना है, मेरे मैप के ऊपर लगा हुआ है 3700 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन ये आगे जाके कमीना US में घुस रहा है, लेकिन हमको US में नहीं जाना है, पूरी 3 ड्राइव में लगनी है खींच के। लेकिन आज की तो आधी हमने खा ली है, 532 किलोमीटर हम यहाँ तक आ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन मेरे को रोटी खाने का मजा लेने दो भाई। जो रोटी थी ना मेरे पास में, मेरे को याद आ गई भाई इंडिया वाली पुरानी ठंडिया रोटियां अचार के साथ में, मिस्सी वाली और लून वाली मिस्सी वाली रोटी होती ना वो वाली। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील ही डाल दी, इसका काम है मूविंग का, सारा सामान अपना यहाँ पे देके जाओ, ये खुद पहुँचा के देते हैं, आगे यहाँ पे आपका सामान जाना है, फिर आपके घर तक छोटे ट्रेलर में लेके जाएंगे, अगर बड़ा ट्रेलर आपके घर तक नहीं जाता होगा। ये सारे इलाके से माल इकट्ठा करते हैं, उसको इस ट्रेलर में डाल दिया, अभी जिस इलाके में जाना है उस इलाके में जाके खोल के छोटे छोटे जो 5 टन होते हैं 1 टन होते हैं उनमें डाल के, किसी का सोफा होगा, किसी का कुछ होगा, वो सारा ऐसे अपने आप डिलीवर हो जाएगा अपनी अपनी जगह में। जितना मर्जी हम हैवी ड्राइवर बनते हैं ना, लेकिन इंडिया वाले ड्राइवर भाइयों के हम रीच नहीं कर सकते। इंडिया एशिया वाला लगा लो, इंडिया पाकिस्तान सब जगह में एक जैसी ट्रकिंग है ऑलमोस्ट। वो लोग तो भाई प्रो लेवल के ड्राइवर होते हैं, वो तो 25-25 दिन 30-30 दिन नहीं आते, क्योंकि
वहाँ पे 80-90-100 की स्पीड होती है, 80 की स्पीड होती है मेरे ख्याल में हाईवे के ऊपर। और इतना सफ़र, पहले तो सफ़र बिल्कुल भी नहीं निकलता था, लेकिन अभी गाड़ियाँ बहुत नहीं आ गई, अभी तो पूरी टेक्निक है वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी उतारने में लोड करने में अभी वो फैसिलिटियाँ पूरी आई नहीं। लेकिन वहाँ पे मालूम नहीं अभी तक वो वाले ड्राइवरों को वो वाली इज्जत मिलनी शुरू क्यों नहीं हुई जो एक ड्राइवर बंदे को मिलनी चाहिए। अगर ट्रकों वाले बंदे नहीं है तो किसी का कोई भी सामान अपनी जगह से दूसरी जगह में कैसे लेके जाओगे आप लोग? लेकिन फिर भी आप लोग उनसे कैसा सलूक करते हो? हमारे साथ में कभी कभी यहाँ पे हो जाता है, हम दूसरे को क्या बोलेंगे? और ये तो अभी रीफर वैन होगी ना, जैसे हम पहले वैन चलाते हैं, ये रीफर वैन नहीं, ये ड्राई वैन होगी, इसको रीफर नहीं लगा हुआ, ये मूविंग ट्रेलर है। लाइटें देखो, लाइटें अभी सही लग रही ना, अभी रंग चेंज कर रही, देखो अभी ब्लू हो गया, अभी चेंज हो जाएगा, देखो ऐसे रोलिंग करता ना, ये सही लगता है। मैं जब निकल के गया था ना, ये क्रेन तब भी ऐसे ही खड़ी थी, अभी ये वापस है, ये क्रेन का बूम ऐसे ही खड़ा है। यहाँ पे हम जाते टाइम भी निकल के गए थे, लेकिन जनरेटर वाली पर्ची मेरे से गुम हो गई है, नुकसान हो गया अपना। अभी कंपनी बोलेगी प्रूफ चाहिए, प्रूफ भाई कहाँ से आएगा? वो पर्ची मैंने मालूम नहीं कहाँ फेंक दी, कहाँ छोड़ दी, मेरे को कुछ याद नहीं है। हाँ जी भाई साहब, कितने हो गए? हाउ मच? चलो कोई चक्कर नहीं, ज़्यादा नहीं है, 15 ही है, बोल दिया डंडा। देखो क्या हो गया भाई, बीच रास्ते में फ्लैशर लगाए हुए भाई साहब। न्यू ब्रूसविक जो है ना, ये क्यूबक के साथ वाली है परवीन, तो इसके बोर्डों के ऊपर ना आपको फ्रेंच दिखेगी। यही देखो सामने देखना कैसे नाम लिखे हुए हैं, राइट साइड में देखो माउंटेन सेंटर एयरपोर्ट, नीचे देखो रोमियो ले ब्लैंक। ये एयरपोर्ट का जो कोड है इनका, ये कैसे कैसे कोड है भाई इनके, ये न्यू ब्रूसविक की ना स्केल है, ऐसे बोर्ड लगा होता है इस पे। और ये नोवा स्कोशिया में भी कोई स्केल ऐसी थी, तो आपको बिल्कुल स्केल के ऊपर जाके मालूम पड़ता कि आपको स्केल के अंदर जाना है या नहीं जाना। ये स्क्रीन राइट साइड में लगी हुई है, अभी तो बंद आ रही है, तो अभी तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा ओपन है या नहीं ओपन है, इसलिए मैं तो सीधे जाऊंगा। अगर पुलिस वाला मगर आया तो देखा जाएगा, क्योंकि स्क्रीन होती है राइट साइड में, उस पर लिखा होता है रिपोर्ट टू स्केल, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे जगह मिलेगी, ट्राई कर लेते हैं एक बार अंदर घुस के। जगह तो बहुत ही पड़ी हुई है भाई, बढ़िया बढ़िया लगता है वैसे ये वाला ट्रेलर। और शायद मैंने आपको कभी बताया, आज नहीं बताया, इसको पावर लोड बोलते हैं। पावर लोड पता क्या होता है? जब किसी और कंपनी का ट्रेलर आप लेके जा रहे हो, लेकिन ट्रैक्टर आपकी कंपनी का, ट्रैक्टर में इसकी आगे वाला ट्रक, उसको पावर लोड बोलते हैं। कि हमने ये वाला ट्रेलर उठाया, इसको पावर दे रहे हैं और इसको उठा के दूसरी जगह में लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पावर लोड। वेलकम प्रोफेशनल ड्राइवर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है इरविंग। आज मैंने सोचा इनकी सर्विस भी आपको दिखाऊं और खुद भी देखूं। Oh sir, I need a shower. I want some coins for the laundry. How much for the shower? 1150? Irving 24 hour की भाई चाबी, शावर नंबर 1 और 1 देखो कैसा लिखा हुआ है। कॉइन लेने पड़ते हैं अगर आपको लॉन्ड्री करनी है, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। कितने शावर इनके पास में? ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 4 है, 5, 6, पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। Oh wow! I'm impressed man, I am impressed। यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से ये हो गया सिंक और लाइटें, साफ सफाई पूरी, ये हो गया अपना शावर। वाह मैन नाइस, जितनी आस थी उससे भी बढ़िया निकला, और टॉवल भी है साथ में, 2-3 जुड़े टॉवल के। चुटकियों में फ्रेश होते हैं, फिर कपड़े देखते हैं कहाँ धुलने। जब से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ कनाडा में, ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप है, मैं कभी इतने दिन बाहर नहीं रहा। ये वाला बुधवार आ रहा है, ये मंडे, वेडनेसडे को पूरे मेरे को 2 हफ्ते हो जाएंगे, वेडनेसडे को निकला था मैं। और लॉन्ड्री मैंने कभी ज़िंदगी में की नहीं किसी पंप के ऊपर, आज पहला दिन कर रहा हूँ आपके साथ। साइडों में मशीन लगाई है आपके भाई ने, मालूम नहीं पड़ता, प्रो होता है आपका, आपका भाई दिन ब दिन प्रो होता जा रहा है। एक आध ट्रिप और ऐसा लग गया, घर वालों ने घर से निकाल देना भाई। ये भाई अपना लॉन्ड्री रूम, लेट्स गो इन भाई, लेट्स गो इन। लाइटें वाइटें दिखाओ। अच्छा ये होती है लॉन्ड्री, देखो हर बार मैंने दूर दूर से दिखाई है ना, $2
$2. ये हो गया सुखाने वाला, हाँ ये हो गया धोने वाला। कितना पेटी माल है? पूरा खोखा है खोखा। एक तो भाई बहुत जेला है इन कपड़ों ने भाई, बहुत ज़्यादा जेला है मेरे को। घर में तो लेडीज ही करती हैं, यहाँ पे ड्राइवर को करना पड़ता है। अगर भाई काम बन गया ना, यहाँ से ट्रक वापस घुमा लेना कि भाई 5-10,000 किलोमीटर और चलाएंगे। अभी ना इंडिया से फोन आने शुरू हो गए घर वालों के, पापा मम्मी के, भाई तू घर कब जा रहा है, भाई ये कौन सा ट्रिप पकड़ लिया तुमने। इसको बंद कर दिया। ओहो बाद में क्या है, मेक साइकिल सिलेक्शन, एक दो चालू हो गया ये देखो ग्रीन लाइट चली है इसमें। इसको वार्म पे रखो, हॉट पे रखो, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। नॉर्मल ने की, हैवी ड्यूटी ने की, डेलीगेट से तो जल्दी हो जाएगा। अभी वेट करनी पड़ेगी यहाँ पे बैठ के। गलती हो गई, लैपटॉप लेके आना था, साथ में एडिटिंग कर लेते। ब्लॉगर बंदे को अपने काम सोचते। अभी तक पानी भर रही है भाई। ओह मालूम नहीं कौन से मॉडल की है मशीनें, थोड़ा पीछे होके बैठा हूँ कहीं फट फुट ना जाए। हम खड़े हैं भाई इरविंग के पंप के ऊपर न्यू ब्रुंसविक में। थोड़ा सा न्यू ब्रुंसविक के बारे में बताता हूँ कि ये मैरीटाइम प्रोविंस है। मैरीटाइम प्रोविंस या मैरीटाइम स्टेट पता किसको बोलते हैं? वो वाली प्रोविंस होती है जिसके आले दुआले समंदर हो, हर तरफ नहीं तीन तरफ से समंदर लगता हो, और उसका जो ज़्यादा व्यापार है वो समंदर से होता हो। तो वहाँ पे समुद्री लैंड, समुद्र के पास में जो लैंड होती है उसको मैरीटाइम बोलते हैं। तो ये मैरीटाइम है, और ये अटलांटिक प्रोविंस भी है क्योंकि इसको अटलांटिक भी लगता है एक साइड से न्यू ब्रुंसविक को। ये एक अकलौती पूरे कनाडा की ऐसी प्रोविंस है जो ड्यू लैंग्वेज के लिए जानी जाती है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के लिए, यहाँ पे दोनों ऑफिशियल बोली जाती है। न्यू ब्रुंसविक में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। न्यू ब्रुंसविक में जो ट्रेड होता है वो बाकी शहरों जैसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होता है वो कैनेडा में क्यूबक, एंटेरियो एंड बीसी। सस्कैचेवन दुनिया का तीसरे और चौथे नंबर वाला ऐसा प्रोविंस है सस्कैचेवन, जो पूरी दुनिया को बाहर कनक एक्सपोर्ट करता है। वाह 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 वा, क्या जानकारी दी है, वाह वाह वाह। ये सही है। दिस विल टेक 45 मिनट्स, दैट विल टेक 50 मिनट्स आफ्टर दैट। आई एम गोइंग टू स्लीप हियर। यू नीड टू स्लीप? या आई गो। ये बोल दिया कि मेरे पास उधर दूसरी मशीन है, तुम उसमें अपने कपड़े सुखा लेना, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तुमको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई आपके बाइक से कितना प्यार करते हैं लोग, देखो। आह आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। वैसे मैं खाता नहीं कभी भी क्योंकि इसको खाने का टाइम ही नहीं होता, हमारे पास और ही काम खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आज मैं फ्री बैठा हूँ, मैं बोला कुछ खा लेते हैं। ओ यार इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। आह पैसे लगे हुए $4 नहीं भी सवाल तो भी ऐसे करिए। आह वाह वाह भाई, वो बोलती है कि इसमें डालो। दिस वन ग्रीन, यप यू गॉट इट। ओह वाओ यप 16 मिनट या 16 मिनट में भाई इसने सारे कपड़े सुखा दिए, और ये देखो मैंने किस में डाल दिए। एंड दिस लेडी गेव मी दिस बैग, आई विल टेक इट। ओह वाओ I love it. Thank you for your visit. Thank you for helping, Tammy. Yes, no problem. We remember you. If your location map. Okay, thank you. Okay. Have a good night. Safe travels. Bye. See you again. Yeah, definitely. It's you. जोड़ के बाद में बैग में रख लेंगे। अभी उसने बैग दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने लिखा हुआ है प्रोफेशनल ट्रैवल्स। इसने मेरे को बताया यहाँ भी आप अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, सोफे लगे हुए। ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए। वो सामने टेबल लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना काम कर सकते हैं। लाइटों का रंग देखो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करने की कार्य प्रगति पर है। सारे कपड़े जोड़ के अभी इसमें रख दिए, बहुत भारी हो गया ये। लेकिन मैंने इसको छिपा के रखा हुआ, कहीं कंपनी वालों को पता लग गया इसने लॉन्ड्री कर रही है, फिर बोले यहाँ से चलो अमेरिका। मजाक कर रहा हूँ यार, हंसी मजाक चलता रहता है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके जाना। न्यू ब्रुंसविक प्रोविंस में बैठे हुए हैं, अभी सिर्फ येलो नाइफ बाकी है, लेकिन येलो नाइफ टेरिटरी है। वहाँ पे भी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाके आएंगे, देख के आएंगे वहाँ पे हिसाब किताब क्या है। आप बता देना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है माहौल। लाइक करके जाना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने बारे का ख्याल रखो।
रब रखा 3 घंटे हो गए मेरे को स्लीप डाले हुए, 5 घंटे बाकी हैं, भी सारा डाटा ट्रांसफर करना है, आधा पौना घंटा जाएगा। वीडियो एडिट करने का सवाल नहीं पैदा था, जब हम लोड उठा के निकल जाते हैं तो बस देख लो वही 3-4 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलेंगे, 8 घंटे हो जाएंगे, फिर मेरा उठने को दिल नहीं करना, मैंने अलार्म बजा के आधा पौना घंटा ऐसे ही खराब करना सुबह।